ये पूरी बर्फ में जम गई है ना। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब से माफी चाहता हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। एक तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था और दूसरा यहाँ पे ठंड भी बहुत थी। जैसे आज भी आप देख रहे हो कितनी बर्फ हो रही है, सुबह से यहाँ बर्फ लगी हुई है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज बर्फ में एक अच्छा सा एक व्लॉग बना के आप सबको दिखाऊं। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। ये है सुरु रिवर, ये करगिल की शान है, बान है, सब कुछ है और ये काफ़ी ही खूबसूरत है। ये पूरा ग्रीन है और लेकिन ये आज दिखने में ही खूबसूरत है, लेकिन आज ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये बहुत ही ठंडा है। इसके दोनों साइड से बर्फ़ की लेयर जमी हुई है, उस साइड से भी और इस साइड से भी। सो इसीलिए ये आज काफ़ी ही ठंडा है। सो जी, ये है करगिल का मेन ब्रिज, इसके उस पार करगिल का मार्केट आता है और वहाँ से जो लेफ़्ट साइड रोड जाती है वो जाती है ज़नस्कार। नाम तो सुना होगा आपने, ज़नस्कार वैली, काफ़ी ही खूबसूरत जगह है। और जो राइट साइड रोड जाती है वो जाती है करगिल मार्केट से होते हुए, द्रास, द्रास से होते हुए श्रीनगर। सो हम जाएंगे राइट साइड करगिल मार्केट में। यहाँ से होता है हमारा मेन सफ़र शुरू और यही रोड करगिल मार्केट में जाती है और यही रोड श्रीनगर भी जाती है। लेकिन अभी श्रीनगर जाने का नहीं सोचिएगा क्योंकि अभी ये रोड है बंद। तो अभी हम जाएंगे सिर्फ करगिल मार्केट में। यहाँ से होता है करगिल मार्केट स्टार्ट। तो आप सबके लिए एक मैसेज है, आप कभी भी कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ठंड पड़ती हो, सो प्लीज़ ठंड को सीरियस लिया करें, अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट किया करें, अच्छे से कपड़े पहन लिया करें क्योंकि ऐसी ठंड में आप बीमार पड़ सकते हैं। सो आप कभी भी करगिल में आए तो यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें फेमस हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ों के मैं आपको नाम बोलूँगा। जैसे यहाँ का एप्रिकोट काफ़ी फेमस है और यहाँ पे एप्रिकोट ऑयल भी मिलता है जो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और सलाजीत मिलती है यहाँ पे, उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और यहाँ एक कॉफ़ी मिलती है वो काफ़ी फेमस है। तो आप जब भी कभी करगिल में आए सो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये यहाँ की काफ़ी फेमस चीज़ है। सो यहाँ पे ये होटल भी है, कभी आप नाइट स्टे के लिए आए तो यहाँ पे। सो ये है डीसी पैलेस, आप जब भी आए यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होटल है, उसकी रेट भी काफ़ी सस्ती है। सो हम करेंगे कावा यहाँ पे ट्राई, करगिल का कावा। तो ठंड में काफ़ी मज़ा आता है कावा पीने का। सो हम जाएंगे यहाँ पे चॉइस पॉइंट टी स्टॉल करगिल, इसमें पियेंगे कावा। पहले हम पीते हैं कावा, ठंड लगी है, शरीर को गर्म खाने में पकौड़ा देता है। ये है करगिल की वेजिटेबल मार्केट, यहाँ पे ये सब वेजिटेबल शॉप्स हैं जो आज सुनसान पड़ी है, लेकिन समर में काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे। ये तो ठंड है तो।
ये पूरी बर्फ में जम गई है ना। ये दे दीजिए ना मशरूम, मशरूम कितने की है? पूरी बर्फ में जमी, जितना काम करेगा उतना बेहतर। वालेकुम बराबर बोलना था सही ना। इधर मशरूम चुख रहा है नीचे। ओके जी, सब्जी ले ली हमने यहाँ से जो कि पूरी बर्फ में जमी हुई है। ये गोभी पूरी बर्फ बन गई है, फूल गोभी सब जम गया है पूरा जी। ये है जी करगिल का लाल चौक, किधर से यहाँ का लाल चौक है। यहाँ के लोग इसको काफी पसंद करते हैं, काफी शौक से विंटर में इसको खाते हैं। तो आज हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। ये हमारे साथ जी हमारे जाफर भाई, जाफर जो मोमोज के मज़े ले रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ही चीज़ें जो ज़्यादा पसंद की जाती है, मोमोज हो गया, चाउमिन हो गया, ये चीज़ें काफ़ी पसंद की जाती है खाने में। देखिए कैसी हालत होगी है मेरे कपड़ों की, मेरे फेस की, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बर्फ़ हो रही है यहाँ पे। और बर्फ़ में काफ़ी टफ है वीडियो उठाना, बहुत टफ है, लेकिन हमने एक चैलेंज दिया था तो कहीं मुझे ये वीडियो महंगा ना पड़ जाए लेना। ये रास्ता जाता है जनस्कार वैली और ये रोड भी अभी बंद है बर्फ की वजह से। तो देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। अभी हमें उस पहाड़ पे जाना है, वो जो पहाड़ है अपोजिट में, वहाँ पे जाना है हमें। सो पहले चलते हैं इधर, उसके बाद चलेंगे वहाँ। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब ठंड भी बढ़ रही है और अगर हम ज़्यादा और चले तो मैं पूरा फ्रीज़ हो जाऊंगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कोई गाड़ी ढूंढता हूं, रूम पे चलता हूं क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगी है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।